नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यशोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में। आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ, केरी और प्याज रेडी। तो मैं इन्हें छील लेती हूँ अच्छे से, केरी प्याज छील के कुछ इनकी नई सी रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं। तो आप लास्ट तक वीडियो देखें दोस्तों, पूरी वीडियो वॉच करें। तो मैं अब छील लेती हूँ इनको, तो इस तरीके छिलका निकाल। तो मैंने छील के और इन्हें धो के लिया है अच्छे से, धो के और फिर इन्हें किस ले रही। तो ये कद्दूकस कर लूँगी, ये मोटी वाली किसनी है इससे, तो पतली वाली तो कम होते ही पतली हो रहे, फिर ऐसे किस लूँगी। तो दोस्तों प्याज मैंने किस ली एक साइड में कर दी, तो आप केरी किसूँ लीजिए देखिए। तो इन्हें ऐसे किस लूँगी, तो सारी इसी तरीके से किस के रख लूँगी केरी। तो दोस्तों इस लिए मैंने सारी केरी और प्याज इस तरीके से ऐसी गुठली निकली, तिनको इधर फेंक देंगे। तो थोड़ी सी केरी अलग हटा लेंगे हम, ले लेंगे अलग में। केरी हमने अलग ले ली किसी हुई, और केरी और प्याज जो साथ में रखेंगे इनका कुछ अलग से बनाएंगे इनका कुछ। तो दोस्तों इधर गैस चालू करके रख दी कढ़ैया, कढ़ैया में डाल दिया तेल। तो तेल गर्म हो गया, अब डालूंगी लहसुन। तो ये लहसुन डाल दिया, इसके साथ में राई डाल देती हूँ। ये देखिए, तो एक चम्मच मैंने राई डाल दी छोटी चम्मच से। तो राई और लहसुन अच्छे से चटक रहे हैं। तो दोस्तों इतनी मिर्ची डाल ली मैंने केरी और प्याज में, साथ राई और लहसुन अच्छे से सिक गए, तो मैं अभी इसी में डाल दूंगी साथ में। ये देखिए, तो अच्छे से मिला दूंगी ऐसे। तो दोस्तों अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, एक से दो मिनट तक इसे पका लेंगे अच्छे से। तो नमक डाल दूंगी जरूरत के हिसाब से, थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी। तो हल्दी मैंने डाल दी, और पिसी हुई धनिया डालूंगी। तो एक चम्मच पिसी हुई धनिया डाल दे रही हूँ। ये देखिए, तो सारे मसाले अच्छे से मिला लूंगी। तो बहुत अच्छे से इसको मिलाना है। ये देखिए, तो इस तरीके से, तो अच्छे इसको पकने देते हैं एक दो एक आध मिनट। तो दोस्तों ये केरी बचा के रखी थी किसी हुई, तो अब इसी में डालूंगी शक्कर। तो दो चम्मच शक्कर डाल दे रही हूँ इसी में। ये देखिए, तो इसे अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी दो मिनट के लिए, तो सारी शक्कर अच्छे से घुर जाए। दोस्तों ये बन गई, अच्छे से पक गई है चटनी। तो केरी और प्याज की चटनी बना ली हमने। तो दोस्तों गर्मियों में तो अब केरी चल रही है, तो केरी की खट्टा कुछ खाने का ही मन होता है। तो चलो ये पक गई, तो हमने गैस को कर दिया बंद, और अब लगाते थाली। तो ये देखिए दोस्तों, ये थाली लगा रहा है। तो इधर जो शक्कर मिला के रखी थी, तो ये शक्कर मिला के रखी थी, बाकी केरी बचाई थी किसी हुई, तो जो तो जो बन गई मीठी चटनी, और ये बन गई खट्टी खट्टी। और तो दोस्तों बना ली मैंने खट्टी मीठी चटनी। तो आप मीठी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, आप गुड़ में बनाइए या शक्कर में बनाइए, शक्कर गुड़ जिसको जो पसंद है वो डाल सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और इधर प्याज और केरी, तो जो है खट्टी, तो बहुत बढ़िया से बन गई ये सब्जी, बन के तैयार है। चटनी भी खाना जरूरी, सब्जी भी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।